कंप्यूटर हार्डवेयर क्लास 7 टॉपिक सीपीयू हार्डवेयर कंपोनेंट। सीपीयू के अंदर भी बहुत सारा हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज ए मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर दैट लाई इन द सीपीयू टू विच ऑल द हार्डवेयर पार्ट आर द कनेक्टेड। इट कंटेन कनेक्टर्स यानी कि सॉकेट्स फॉर अटैचिंग एडिशनल डिवाइस स्लॉट फॉर द प्रोसेसर बायोस रोम चिप और सीमोस सेटअप। मदरबोर्ड जो है वो मेन सर्किट बोर्ड है जहां सभी इलेक्ट्रॉनिक जो है वायर उसे कनेक्टेड होते हैं, जो सीपीयू के अंदर लाई इन द सीपीयू टू विच ऑल द हार्डवेयर पार्ट, जिसमें वो सीपीयू के अंदर होता है और जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो सब उससे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। और ये अपने अंदर मदरबोर्ड जो है वो कनेक्टर यानी सॉकेट का को कंटेन करता है, रखता है किसी लिए, तो इसे कोई बाहर से हम डिवाइस जोड़ सकते हैं जैसे कि माउस कीबोर्ड प्रिंटर, जो बाहर एडिशनल जो डिवाइस है उसको हम जोड़ने के लिए सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में सॉकेट लगा हुआ होता है। स्लॉट फॉर प्रोसेसर के लिए स्लॉट बना हुआ होता है जहां रोम बायोस या रोम चिप लगाने के लिए जगह सेटअप बनाया गया है। दूसरा है एसएमपीएस का मतलब फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस इज एन इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कंपोनेंट दैट रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई। ये क्या करता है एसएमपीएस कि मेन पावर सप्लाई जहां से हमारे घर में सप्लाई जो आता है मेन जगह से, उससे वह क्या करता है पावर को रिसीव करता है और फिर ये कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है उसमें यह पावर सप्लाई करने का काम किया करता है। जैसे कि आपको मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है कीबोर्ड है प्रिंटर है माउस है, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी जब कंप्यूटर में जब जाता है एसएमपीएस के थ्रू तो सब में पावर सप्लाई देने का ये काम करता है। और दूसरा क्या करता है इट कन्वर्ट द एसी करेंट इंटू डीसी करेंट विच रिक्वायर्ड वोल्टेज। और ये क्या करता है कि यूपीएस में जो भी मेन पावर से जो भी करंट आता है उसको वह एसी करंट होता है और कंप्यूटर में जब वो सप्लाई देता है तो एसएमपीएस क्या करता है एसी करंट को डीसी करंट, एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो रिक्वायर्ड जितना उसको वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से उसको सप्लाई कर देता है एसी करंट को डीसी में बदल के। तीसरा है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर जो सीपीयू है उसका हार्ट कहलाता है, क्योंकि इसी के पर ये आधारित होता है कि कंप्यूटर जो है वो कितना तेजी से काम करता है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है। इट डज ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन इन रैपिड स्पीड। जितने भी कैलकुलेशन या कंपेरिजन होते हैं वो बहुत तेजी के साथ यानी रैपिड स्पीड में होता है और ये उस पर आधारित होता है प्रोसेसर पे। इट स्पीड इज मेजर्ड इन हायर यूनिट ऑफ हर्ट्ज। और इसको मेजर करने के लिए जो सबसे हाई जो इकाई है यूनिट है उसको कहते हैं हर्ट्ज। सब प्रोसेसर आज बहुत सारा प्रोसेसर है मार्केट में अवेलेबल है, पेंटियम सीरीज डुअल कोर एथलॉन कोर i3 कोर i7 ADM X सीरीज।